दोस्तों, पुरुष टेस्टोस्टेरोन की कमी को दूर करने के लिए इन पांच सस्ती आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग करके अपने मेल हार्मोन को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हेल्थ से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि 30 वर्ष की आयु के बाद पुरुषों में मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होने लगती है। हालांकि टेस्टोस्टेरोन की कमी को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की सहायता से दूर किया जा सकता है। आइए जानते हैं पांच ऐसी सस्ती आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में जिसका प्रयोग करके पुरुष अपनी मेल हार्मोन और स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं, जिसमें पहला है अश्वगंधा। अश्वगंधा को भारतीय जिनसेंग के नाम से जाना जाता है। यह तनाव को दूर करता है। यह वह जड़ी बूटी है जिसका उपयोग आयुर्वेद में हजारों वर्षों से किया जा रहा है और यह दुनिया भर में लोकप्रिय है। वहीं यह टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी है। हार्मोन को बढ़ाने के अलावा अश्वगंधा भी पुरुषों में बांझपन को ठीक करने और शुक्राणु की गतिशीलता में सुधार लाने का काम करता है। दूसरा है गिलोय। टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को बढ़ाने और यौन स्वास्थ्य में सुधार के लिए पारस्परिक चिकित्सा में अत्यधिक बेशकीमती आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। अध्ययनों के मुताबिक इस जड़ी बूटी में शुक्राणु की संख्या बढ़ाने, टाइल डिस्फंक्शन में कमी लाने, शुक्राणु की गतिशीलता बढ़ाने समेत पुरुषों के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए गिलोय बहुत ही फायदेमंद है। तीसरा है शतावरी। शतावरी को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग नामों से जाना जाता है। शतावरी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका प्रयोग पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन के बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह मुक्त कणों से लड़ने में मदद करता है जो आपके शरीर पर ऑक्सीडेटिव तनाव का कारण बन सकते हैं, जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज और उपचार आसानी से संभव है। चौथा है गोखरू। गोखरू एक छोटा फूल वाला पौधा होता है जो दुनिया भर में उगता है। इस पौधे का उपयोग आयुर्वेद में चिकित्सा के लिए कई वर्षों से किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जीवन शक्ति और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने की क्षमता मौजूद है। इसके प्रयोग से पुरुषों की स्टेमिना को बढ़ाया जा सकता है। पांचवा है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली एक भारतीय जड़ी बूटी है जिसका उपयोग कई पीढ़ियों से पारंपरिक चिकित्सा में किया जा रहा है। इसकी पत्तियों और जड़ों का उपयोग दवा और टॉनिक को तैयार करने में किया जाता है जो सेक्स ड्राइव आता है। सफ़ेद मूसली में टेस्टोस्टेरोन के बढ़ाने वाले गुण मौजूद होते हैं और मांसपेशियों के निर्माण में भी यह मदद कर सकता है। इसके अलावा पुरुष नेचुरल तरीकों को अपनाकर अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं, जिसमें वह नियमित वर्कआउट के दौरान वेट ट्रेनिंग पर अधिक समय बिताएं, धूम्रपान में कटौती करें, छोड़ने का प्रयास करें, तनाव को कम करने के लिए योग को अपनाएं।